नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, बिग बॉस सीजन 16 के ओपनिंग वोटिंग ट्रेंड को लेकर आप सभी दर्शकों के सामने हम हाजिर हैं। इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए चार कंटेस्टेंट जो हैं वो नॉमिनेटेड हैं। उन चार कंटेस्टेंट में कौन निकला आगे, कौन रह गया पीछे, किस पर इविक्शन का खतरा सबसे ज़्यादा मंडरा रहा है, क्या इस हफ्ते होगा डबल इविक्शन या नहीं होगा, सारी की सारी बातें जो हैं पूरे विस्तार से बताएंगे दोस्तों आज के खास रिपोर्ट में। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल क्विक टीवी न्यूज़ को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सबसे पहले क्विक टीवी न्यूज़ को आप सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के घंटे को नहीं दबाया है दोस्तों, तो बेल आइकन के घंटे को आप ज़रूर दबा लें। चलिए बताते हैं आज के खास रिपोर्ट में यही बात। सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं डबल इविक्शन की जहां तक बात आती है, तो एक इविक्शन जो है वो वोटिंग के बेसिस पे होगा और एक इविक्शन जो है वो होगा अब्दुल रोजिक का। जी हां, अब्दुल रोजिक जो है मतलब 12 जनवरी को जो है उनका एक जगह जो है वो शो है, और उससे पहले जो है उनको उनका जो भी उनका कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और उन्हें शो से बाहर आना पड़ेगा। ये एक पहला इविक्शन है। अब हम वोटिंग की बात कर लेते हैं। तो वोटिंग में चार कंटेस्टेंट नॉमिनेटेड थे। चारों कंटेस्टेंट में आपको बताना चाहते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम मतलब नीचे लेवल से हम शुरुआत करते हैं, यानी कि चौथे पायदान से हम आपको बताते हैं। चौथे पायदान पर हैं सृजिता डे। जी हाँ, सृजिता डे जो हैं चौथे पायदान पर हैं। चौथे पायदान पर सृजिता डे हैं। हालांकि ये घर में कुछ नहीं कर रही, इनके कुछ भी पर्सनल मुद्दे नहीं होते हैं, ये दूसरों के मुद्दों में जो है वो टांग लगाकर अपने आप को लाइमलाइट में लाने की कोशिश करती हैं। इनका इंडिविजुअल पर्सनालिटी जो है बिल्कुल शून्य है और इन्हें ऑडियंस भी पसंद बिल्कुल भी नहीं कर रहे, और यही वो वजह है कि सृजिता डे जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है उन्हें पसंद नहीं किया जा रहा, चौथे पायदान पर हैं। अब इसके बाद अगर चौथे पायदान पर है, अगर चार कंटेस्टेंट नॉमिनेटेड नहीं होते, अगर बाकी सारे के सारे कंटेस्टेंट भी नॉमिनेटेड होते तो भी ये आखिरी पायदान पर ही रहती। अब आपको बताते हैं तीसरे पायदान पर कौन है। तीसरे पायदान पर हैं निमृत कौर आलूवालिया। निमृत कौर आलूवालिया की क्या प्रॉब्लम है आपको बताते हैं। निमृत कौर आलूवालिया जो है यहाँ पर शुरू में तो काफ़ी अच्छी तरह से वो खेल रही थी, लेकिन जैसे जैसे वो खेलती गई वो मंडली के पीछे जो है वो छिपती गई, मंडली के पीछे जो है पीछे से वो वार करती रही। कभी भी वो फ्रंट फुट पर आकर उन्होंने वार नहीं किया किसी भी कंटेस्टेंट पर, जैसे कि वो पहले खेला करती थी। अगर वो वैसा ही खेलती तो बहुत ज़्यादा जो है वो आगे जाती। अब यहाँ इसीलिए तीसरे पायदान पर है निमृत। अब नंबर वन और नंबर टू पर कौन है। नंबर वन और नंबर टू के लिए एमसी स्टैन और सुम्बुल तौकीर खान है। तो नंबर टू पर है सुम्बुल तौकीर खान। जी हाँ, नंबर टू पर आ गई हैं सुम्बुल तौकीर खान। हालांकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रही हैं, बहुत ही रियल है और बहुत ही प्योर है, और इसी वजह से इन्हें ऑडियंस जो है वो पसंद कर रहे हैं, और इनकी ये कोई फेक नहीं कर रही है घर के अंदर, जैसी बाहर थी वैसी घर के अंदर है। और इन पर भी कई सारे तोहमते लगाए गए, लेकिन वो सारे के सारे तोहमते जो हैं बिल्कुल पूरी तरह से झूठे ही साबित हुए। तो यहाँ सुम्बुल तौकीर खान भी दूसरे पायदान पर है। नंबर वन पर हैं नन अदर देन एमसी स्टेन, जिनके ऑडियंस ने उन्हें भारी भरकम मतलब वोट्स कर रही है। और अगर आपको बताएं एमसी स्टेन और सुम्बुल तौकीर खान के बीच में वोटों का फासला की, तो दोनों के बीच में जो वोटों का मार्जिन है, जो वोटों का फासला है वो काफ़ी मतलब बहुत ही कम है, और किसी भी वक्त कोई भी आगे निकल सकता है। तो ये बात जो है वो निकल कर सामने आ रही है, सोचा हम आप सभी दर्शकों के साथ शेयर कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों, तो इस वीडियो को कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए बिल्कुल भी।